कहानी से जुड़े आपके सवाल आते रहते हैं, मगर पिछले भाग में हमने आपसे एक सवाल पूछा था कि आखिर कसक ने क्यों करी विनायक से शादी। इसका जवाब हमने आपके ऊपर ही छोड़ा था। आप सोचकर बताइए और तब तक हम कहानी में आगे बढ़ जाते हैं। माधुरी पूरे दिन का तमाशा आंखों में बसाए अपने कमरे में आती है और कांपते हाथों से अपनी जेब से फोन निकालकर एक कॉल लगाती है। जतिन, वो यहाँ आया था। अरे कौन, और तू इतनी घबरा क्यों रही है? अरे वही अंबुज। अंबुज का नाम सुनते ही दूसरी ओर खामोशी छा जाती है। क्या, पर वो तेरा घर कैसे जानता था? और क्या उसने अपना मुंह खोला? क्या वो अंबुज तुझे पहचान गया? ओ यार, जस्ट शट अप। इतने सवाल करके तो मुझे इरिटेट कर रहा है जतिन, मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी है। और माधुरी भड़क कर फोन रख देती है। ये सब इतना आगे कैसे बढ़ गया? मैंने तो दादी को मजाक मजाक में अंबुज की फोटो दिखाई थी ताकि मैं कसक को फंसा सकूं, पर ये तो सच में ही मेरे घर आ गया। अगर इसने सबके सामने मुंह खोल दिया तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। मेरे सपनों का क्या? नहीं नहीं, मुश्किल से इस रूढ़ीवादी सोच को लांघकर मुझे आजादी नसीब हुई है। अगर डैड को सच पता चल गया और अगर उस छोटी माँ ने ही डैड को बता दिया तो नहीं नहीं, मुझे अंबुज का चैप्टर क्लोज करना ही होगा। और माधुरी बड़बड़ाती हुई सो जाती है। एक छत के नीचे चेहरों पर चेहरों तले कुछ ऐसे राज थे जो सबको अंदर से काट रहे थे। घर बावजूद इसके सब मुस्कुरा ही रहे थे। संतोष, तू किसी काम की नहीं है, इतने दिन इतनी अग्नि परीक्षा में बर्बाद कर दिए। कोई ढंग की चाल है तेरे पास या नहीं? पर मम्मी जी, ये प्लान तो सारा आपका ही था, आप मुझे ईद की बकरी बनाकर क्यों काट रही हैं? मालती ये सुन संतोष को लात मारती है और लतखोर संतोष लात खाने पर भी ही करके मालती की टांगे दबाने लगती है। कहते हैं ना, अड़ियल घोड़ा किसी का सगा नहीं होता। मालिक को भी पटकनी दे दे और नौकर को भी, तो मालती परिवार की वही अड़ियल घोड़ी थी जिसे अपनी चलाने धौंस के लिए कोई ना कोई लंगड़ी घोड़ी हमेशा चाहिए ही होती थी। और संतोष उसके लिए वही घोड़ी थी जिसको सास की चाटुकारी करने के बदले घर पर राज करने का लालच था। मम्मी जी, मुझे एक और प्लान सूझा है। अभी हमने इतनी मशक्कत की, भूखा रख लिया, पानी में डुबो दिया, आग में भी जला दिया, पर ई ससुरी का बाल भी बाका ना हुआ, तो क्यों ना जीठ जी के ही मन में आग लगा दी जाए। मालती को संतोष की बात जम गई। विनायक के लिए कसक नहीं, उसकी औलाद प्यारी है, और अगर औलाद को कुछ हो जाए तो विनायक तो पागल ही उठेगा। अरे मम्मी जी, वो कुछ अगर कसक के हाथ से हो जाए तब तो नील बटे सन्नाटा, उसके कान पर मम्मी जी का चाटा। जे बात, तू ही मेरी लाडली बहू है। मम्मी जी, आप भी ना, जी तो आपका बड़प्पन है, वरना हम तो कोने में पड़े रहने वाले दाल भात खाने वाले भौरिया ही तो थे। लाइए ना, आपके पांव दबा देते हैं, आप छत पर गई थी ना, दुख रहे होंगे। और संतोष मालती के पांव दबाकर मन ही मन खुश होकर खुद को विनायक की सुहाग की सेज पर इमेजिन करने लगती है।